इंद्रजीत सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से आपसे समझना चाह रहा हूं कि सेना का MI सीरीज का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आप इसमें CDS जनरल बिपिन रावत इसके अंदर मौजूद रहे, 14 लोग और भी सवार थे इसमें, हालांकि एयरफोर्स ने अब जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन आपको इसमें शुरुआती जो अभी तक तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या टेक्निकली फॉल्ट इसको माना जाए या क्या, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? क्योंकि जो MI-17 एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही स्टेबल एयरक्राफ्ट है और ये रशियन मेक का एयरक्राफ्ट है और इसमें जो एयर क्रैश होने के संभावना जो होती है बहुत कम होती है। मेजरली कोई ऐसा इंजन फेलियर हुआ होगा ऑन बोर्ड जिसके करके ये एयर क्रैश हुआ, और जैसे कि मेरे जो साथी हैं जिन्होंने बताया कि पायलट जो होते हैं वो लो फ्लाइंग पे लेके आते हैं, जैसे कि आर्मी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है जंप करने की, और उन्होंने जंप भी किया होगा डेफिनेटली, और जो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कहीं मशीनरी फेलियर देखने को मिल रहा है इसमें, क्योंकि एयर क्रैश बहुत कम देखे गए हैं और किसी तरह का और डैमेज नहीं कभी होता इन एयरक्राफ्ट। लेकिन इसमें सर एक चीज आप भी कह रहे हैं कि इसमें जो MI सीरीज के जो हेलीकॉप्टर हैं ये बहुत स्टेबल रहते हैं, तो ये इंजन फेलियर की बात क्या हजम हो रही है या इसमें कुछ और? क्योंकि इसमें इससे पहले तक ये भी था कि अगर कोई भी कोई हाई रैंक का अगर अधिकारी उसमें जा रहा है और खास करके अगर CDS उसमें जा रहे हैं तो उसका 3 लेयर चेक होता है, 3 लेयर चेक होने के बाद उसका सर्टिफिकेट जारी होता है, उसके बाद जो उसके पायलट होते हैं उस हेलीकॉप्टर को के लिए जो पायलट जो होने चाहिए वो मोस्ट सीनियर माने जाते हैं, तो ऐसे में चूक होना कहां आपको लग रहा है? So, आपने सही बताया, जो भी इनकी जितने भी VIP एयरक्राफ्ट होते हैं इनके VIP चेकिंग की जाती है एयरक्राफ्ट की, इनके पायलट का प्रॉपर जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं बहुत सीनियर रैंक के होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी जो थॉरो चेकिंग होती है, चेकिंग आफ्टर चेकिंग होती है कि इसमें कोई भी कमी ना रह जाए, पर मशीनरी में कुछ कहा नहीं जा सकता और मशीनरी कहीं पे भी डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और यही मेरे को रीजन लगता है जो जो सामने जो चीजें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो मशीनरी फेलियर जो हुआ वो उसके करके एक क्रैश हुआ, क्योंकि मशीन जब चलती है ऊपर तो कोई भी फेलियर किसी समय भी हो सकता है। लेकिन सर ये बड़ी चिंता की बात नहीं है क्या कभी ऐसा हो? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा भी है लगातार कई इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई जब प्लेन क्रैश हो रहे हैं और खास करके हमारे सेना के जो प्लेन है वो इसमें क्रैश हुए, कुछ लोगों का ये कुछ ऐसे एक्सपर्ट थे जिनका ये मानना था कि अब कुछ ऐसे प्लेन्स हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं जिनको बेड़े से हटा देना चाहिए और इसी वजह से क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं इस वजह से हादसे होते हैं, तो अब ये एक बार फिर से फिल्टर करने की जरूरत है कि हमारे बेड़े में कौन कौन से अच्छे जो प्लेन है या फिर जो हेलीकॉप्टर है उनको सिर्फ रखा जाए बाकियों को हटाया जाए, लेकिन यहां तो MI सीरीज की बात है तो यहां पर कैसे? और ये पूरे वर्ल्ड में MI सीरीज के एयरक्राफ्ट हर जगह चलते हैं और खुद मैं इनमें ट्रेवल किया है एज ए आर्मी ऑफिसर, और बहुत स्टेबल होते हैं और चांसेस ऑफ एयर क्रैश बिल्कुल मिनिमल होते हैं। रहा दूसरे एयरक्राफ्ट के जो MiG-21 सीरीज के एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट हैं जिनको हमारे को इमीडिएटली फेज आउट करने की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा तवज्जो दे भी रही है फेज आउट का, और हम लोग देख भी रहे हैं कि नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और नई तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, LCA हमारे पास आ गया, तो हमारा जो मेन इशू आज MI-17 का है मेरे हिसाब से तो एक इंजन फेलियर का सबसे पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही ये रीजन है कि ये एक क्रैश हुआ। लेकिन 3 लेयर चेक के बाद अगर इंजन फेलियर होना तो ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है सर? वो क्या होता है कि एक इंजन की लाइफ होती है, इंजन ओवरऑल होते हैं, इंजन रिपब्लिश लगाए जाते हैं, उनको नया किया जाता है, फिर उनको एयरक्राफ्ट को चलाया जाता है, तो और VIP एयरक्राफ्ट की तो स्पेशल स्क्वाडन जो होता है VIP स्क्वाडन वो एक उनको प्रॉपर तरीके से देखरेख की जाती है उन एयरक्राफ्ट की, पर एक इंजन तो इंजन है, मैकेनिक है, वो कभी भी कहीं पे भी फेल हो सकता है, वही एक रीजन जो सामने नजर आ रहा है। लेकिन यहां से इस हादसे के बाद से आपको क्या नजर आता है सर, यहां से क्या हमें सीखने की जरूरत है? क्योंकि इससे पहले भी जो सेना के फाइटर प्लेन हैं वो क्रैश होते रहे हैं, हादसे होते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के अंदर MI-17 हेलीकॉप्टर के अंदर
सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे और उनके साथ कई और लोग मौजूद थे, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन रात भरी बात यह है कि वो फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनको तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में लेकर के जाया गया और अभी फिलहाल जानकारी है कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन यहां से हमें सीखने की भी जरूरत है क्या, और क्या हमें बदलाव करने की जरूरत है, आपको कुछ नजर आता है इसमें? बिल्कुल, एक ये हर एक एक राष्ट्र होता है, एक ये सीख देता है कि हमारे को क्या करेक्टिव एक्शन लेने हैं, नंबर वन पॉइंट। और दूसरी जो जैसे MI-17 भी एक का बेड़ा जो है वो एज उसकी होगी है, उसकी मशीनरी की एज होगी है, उसको हमको नए एयरक्राफ्ट जो इस कैलिबर के जो एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं बड़े रोटर विंग्स वाले, उनको लाने की जरूरत है। जैसे हमने चिनुक हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया इंडिया में, उस प्रकार ये एयरक्राफ्ट भी जो है वो हमारे को फेज आउट करके न्यू जो जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये भी एक पुराने जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ये बहुत स्टेबल मानेंगे, बट फिर भी हर एक मशीन की लाइफ है। और जो नए जनरेशन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, स्पेशली जो VIP ड्यूटीज के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको हमारे को चेंज करने की आवश्यकता है अभी, और आने वाले टाइम में हमारे को ये एक इमीडिएट एक्शन पॉइंट हमारे को लेना चाहिए कि हम जो नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करें सर्विसेज। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ सर, कि क्योंकि बाय रोड अगर जाते हैं तो उसमें बकायदा एक काफिला होता है, सुरक्षा का एक कड़ा घेरा होता है, लेकिन अगर बाय एयर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो क्या वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से कोई और हेलीकॉप्टर भी साथ में रहता है, या कोई और हवा में कोई ऐसा फोर्स उनके साथ रहती हो जो फॉलो करती हो? जनरली मैक्सिमम एक से दो एयरक्राफ्ट एयर में होते हैं किसी समय भी, और सारे VIP एक एयरक्राफ्ट में नहीं होते, ये भी हम एक स्ट्रेटेजिकली फॉलो। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन। तो यहाँ इस बीच बड़ी जानकारी, और रिटायर्ड कर्नल इंद्रजीत सिंह हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े रहे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई हैं। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और MI सीरीज का ये 17 हेलीकॉप्टर है, जो ये माना जाता है कि बहुत हद तक स्टेबल रहता है, और क्योंकि ये नई अत्याधुनिक तकनीकों से लेस हेलीकॉप्टर माना जाता है, बहुत बैलेंस हेलीकॉप्टर माना जाता है। और सवाल भी इसलिए खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे ये क्रैश होता है, क्योंकि इतना बैलेंस्ड, इतना अच्छा तकनीकी सक्षम यह हेलीकॉप्टर, लेकिन उसके बावजूद भी 3-layer चेक, और इन सब के बावजूद आप एक बकायदा अगर कहा जाए कि मोस्ट सीनियर जो पायलट होते हैं वो उसको ड्राइव करते हैं, वो उसको चलाते हैं, तो उसके बावजूद भी ये बड़ा हादसा होना, हालांकि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, ये अब जांच का विषय है, और अब यही जो चीजें हैं वो जानने और समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंद्रजीत सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं जरा उनसे एक चीज और समझता हूँ सर, जब अब कभी भी ऐसा होता है कि अब आपात स्थिति बन चुकी है, क्रैश होने की तरफ हेलीकॉप्टर, अब ये नजर भी आ रहा है, तो उस वक्त जो पायलट होता है उनको क्या हिदायतें होती है, उनको क्या करना होता है, थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ लाना है, थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर नहीं रखना है, ताकि वहां से अगर डिटैच किया जाए, अपने आप को इवैक्यूएट किया जाए, तो जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा सरफेस जो है वो नजदीक रहे, ये कोशिश होती है, क्या हिदायतें क्या होती हैं सर? दो तीन हिदायतें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो पब्लिक एरिया होता है उसके को हमको बचाना होता है, जो सिविलियन पॉपुलेशन जो नीचे होती है, तो हमारा ये पायलट का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वो एयरक्राफ्ट को स्टीयर करे, ग्लाइड करे, ये ओपन स्पेस में उसको लेकर जाए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसको एक हाइट पे रखे कि अगर उसमें फायर भी लग गई है तो वो किसी भी सिविलियन एरिया के ऊपर ना गिरे। तीसरा पॉइंट ये होता है कि क्लोज टू द ग्राउंड लेके आए, जिससे कि जैसे कि ये हेलीकॉप्टर है, सो जितने क्लोज टू द ग्राउंड है, अगर वो रोटर मूव कर रहा है तो नीचे लोग जंप कर पाए और अपने आप को रेस्क्यू कर पाए ग्राउंड को हिट करने से पहले। तो ये सब चीजें अगर जब पायलट करता है तो बहुत ही चुकन्ने होते हैं पायलट, और इनकी उनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है इस सिचुएशन की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।